Now we are doing the next topic, that is total partial differentiation, in which we are starting from the total differential coefficient. Let z is a function of x, y, then dz can be calculated by the relation del f over del x into dx plus del f over del y into dy, where this dz is said to be total differential. Total differential. The next is composite functions and composite variable and the differentiation of composite function. If z is a function of x, y, suppose it is given, and x is a function of phi t, as well as y is a function of psi t, then we can calculate dz by dt or del z by del t, which is given by the relation del z over del x dx by dt plus del z over del y dy by dt. इन दिस रिलेशन देखिए हम क्या देखते हैं, z फंक्शन है x y का और x और y फंक्शन है t के. सो इन दिस रिलेशन z को हम क्या बोलते हैं, z इज सेट टू बी कंपोजिट फंक्शन एंड t को हम क्या कहेंगे, t इज सेट टू बी कंपोजिट. Now we are taking one more formula for that. मान लीजिए हमारे पास z function है x y का और x function है u v का और y भी function है u v का. अब अगर हम इसे composite property से करें तो जहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जेड इज द कंपोजिट फंक्शन एंड यू एंड वी बी द कंपोजिट वेरिएबल्स. कंपोजिट वेरिएबल्स, ओके. इसका मतलब देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया, इसका मतलब हम जेड को, दैट इज कंपोजिट फंक्शन को कंपोजिट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देन वी कैन कैलकुलेट नंबर वन डेल जेड ओवर डेल यू एंड विच इज गिवन बाय द रिलेशन डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल यू प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल यू. तो देखिए यहां पर कंपोजिट वेरिएबल दो पोजीशन पर नजर आएगा आपको, ओके. इसी तरीके से हम डेल जेड ओवर डेल वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके लिए फार्मूला होगा डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल वी. So we have the two formulae for the composite function z to taking the partial differentiation with respect to composite variables means u and v. Now we are taking the question. U is given u y minus z comma z minus x comma x minus y. Then show that or prove that del u over del x plus del u over del y plus del u over del z is equals to 0. What is given in the solution? हमें question में क्या है, देखिए u is a function of y minus z, z minus x, x minus y. इसका मतलब function के अंदर function है, हमें u direct नहीं पता पड़ पा रहा है. हम ये कह सकते हैं कि x, y, z का function है, लेकिन यहाँ देखिए
फंक्शन के अंदर भी फंक्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं। और उसमें भी देखिए, अगर हम इसको कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिट वेरिएबल की टर्म्स में लिखें, हमें क्या मिलेगा? इफ आई टेक y माइनस जेड इज इक्वल्स टू आर एंड s इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स एंड t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ओके, तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन a है, ये क्या बन जाएगी? u इज अ फंक्शन ऑफ r s t। ओके, एंड r s t ये तीनों किसके फंक्शन है हमारे पास? x y z के। तो अगर हम देखें, सो u इज हेयर कंपोजिट फंक्शन। ओके, और हमारे पास कंपोजिट वेरिएबल क्या होंगे? कंपोजिट वेरिएबल्स एंड दीज आर x, y एंड z। इसका मतलब हम कंपोजिट वेरिएबल u, कंपोजिट फंक्शन u को कंपोजिट वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। देन बाय द प्रॉपर्टी ऑफ टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड द कंपोजिट वेरिएबल फंक्शंस, हमारे पास डेल u ओवर डेल x की वैल्यू क्या होगी? डेल u ओवर डेल r ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल s ओवर डेल x प्लस डेल u ओवर डेल t इंटू डेल t ओवर डेल x। तो देखिए यहां पर ये कंपोजिट वेरिएबल है। अब क्योंकि यहां पर थ्री वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ही थ्री टर्म्स तक जाएगा। फोर होंगे तो फोर, टू होंगे तो टू तक। अब हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास। इसके साथ साथ वी हैव द r इज इक्वल्स टू y माइनस जेड। ओके, s इज इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स एंड t इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अब इस देखिए फार्मूले, यू कैन से दिस इज द इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेल u ओवर डेल r क्या हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि u का r के साथ डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है। हम डेल u ओवर डेल कब डेल r कब निकाल सकते हैं? वेन u शुड बी द फंक्शन ऑफ r एंड देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन u एंड r, जो कि नहीं है। तो हम डेल u ओवर डेल r को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए दूसरा पार्ट है डेल r ओवर डेल x। अब यहां पर देखिए r इज अ फंक्शन ऑफ x y z फ्रॉम देयर। अगर हम यहां पर डेल r ओवर डेल x निकालें तो कितना होगा? जीरो बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, सो दिस बिकम्स जीरो प्लस। नेक्स्ट इज डेल u ओवर डेल s। अब देखिए इसमें भी हम डेल u ओवर डेल s कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि u का s के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है एंड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन u एंड s। तो डेल u ओवर डेल s एज इट इज रहेगा और डेल s ओवर डेल x हम निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन। देन डेल s ओवर डेल x कितना हो जाएगा? माइनस वन। सो दिस इज माइनस वन। अब देखिए u का t के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है तो इट रिमेन्स एज इट इज। और डेल t ओवर डेल x हम कहां से निकाल सकते हैं? फ्रॉम देयर। डेल t ओवर डेल x इज गिवन बाय वन, तो ये वैल्यू हम रख देंगे। सो दिस इज वन। तो डेल u ओवर डेल x हमारे पास कितना हो जाएगा? डेल u ओवर डेल s विद नेगेटिव साइन प्लस डेल u ओवर डेल t। से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। अब हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग डेल u ओवर डेल y, मीन्स बाय द फार्मूला डेल u ओवर डेल r ओवर डेल y प्लस डेल u ओवर डेल s
डेल एस ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल टी देन डेल टी ओवर डेल वाई। जैसे कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया है इक्वेशन नंबर वन के लिए, इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल यू ओवर डेल आर रिमेन्स एज इट इज और डेल आर ओवर डेल वाई फ्रॉम दिस हमारे पास कितना होगा वन एंड द डेल यू ओवर डेल एस रिमेन्स एज इट इज देन डेल एस ओवर डेल वाई फ्रॉम देयर कितना हमारे पास जीरो देन डेल यू ओवर डेल टी रिमेन्स एज इट इज और डेल टी ओवर डेल वाई फ्रॉम देयर हमारे पास कितना होगा डेल टी ओवर डेल वाई डेट इज माइनस वन। सो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली हम इक्वेशन थर्ड कैलकुलेट करेंगे डेट इज डेल यू ओवर डेल जेड और इसको हम कैसे निकालेंगे डेल यू ओवर डेल आर प्लस इंटू डेल आर ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल एस इंटू डेल एस ओवर डेल जेड प्लस डेल यू ओवर डेल टी इंटू डेल टी ओवर डेल जेड। सिमिलरली जैसे कि पहले किया है डेल यू ओवर डेल आर नहीं निकाल सकते रिमेन्स एज इट इज ओके और डेल आर ओवर डेल जेड कितना होगा माइनस वन फ्रॉम देयर ओके। सिमिलरली डेल यू ओवर डेल एस एज इट इज रहेगा नहीं निकाल सकते और डेल एस ओवर डेल जेड निकालेंगे इधर से डेट इज वन। इसी तरीके से डेल यू ओवर डेल टी नहीं निकाल सकते लेकिन डेल टी ओवर डेल जेड हम निकाल सकते हैं डेल टी ओवर डेल जेड बाय दिस रिलेशन दिस गिव्स यू जीरो। से दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ एडिंग दीज थ्री रिलेशन मीन्स वन प्लस टू प्लस थ्री अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड और राइट हैंड साइड पे देखिए क्या मिलेगा डेल यू ओवर डेल आर। अगर पहला वाला रिलेशन देखें इनटू जीरो माइनस डेल यू ओवर डेल एस प्लस डेल यू ओवर डेल टी। इक्वेशन टू से हमें क्या मिला डेल यू ओवर डेल आर माइनस डेल यू ओवर डेल टी। इक्वेशन थर्ड से हमें क्या मिला माइनस डेल यू ओवर डेल आर प्लस डेल यू ओवर डेल एस। अब इसमें देखें ये वाला पार्ट तो जीरो है मल्टीप्लाई जीरो की हो रही है डेल यू ओवर डेल एस माइनस और डेल यू ओवर डेल एस प्लस कैंसल डेल यू ओवर डेल टी पॉजिटिव डेल यू ओवर डेल टी माइनस डेल यू ओवर डेल आर पॉजिटिव डेल यू ओवर डेल आर नेगेटिव दिस गिव्स यू जीरो। तो फाइनली हमें क्या मिला डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल यू ओवर डेल जेड इज इक्वल्स टू जीरो हैंस प्रूव्ड यही हमें प्रूव्ड करना था। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टोटल डिफरेंशिएशन और टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव द क्वेश्चन इफ w इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वेयर x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा देन शो दैट दिस रिलेशन। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम टोटल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से सोल्व कर सकते हैं। अब भी यहां पर भी हम क्या लेके चलेंगे कंपोजिट फंक्शन एंड कंपोजिट वेरिएबल की प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। व्हाट इज गिवन हियर w इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई ओके वेयर x इज द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा एज वेल एज y इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो देखिए w हमारा यहां पर क्या हो गया जहां शुरू होता है डेट इज ऑलवेज कंपोजिट फंक्शन और जहां हमारा खत्म हो रहा है डेट इज r एंड थीटा
it becomes composite variables. वो हमारे पास क्या है, r n theta. तो हम क्या निकाल सकते हैं प्रॉपर्टी से, वी कैन डिफरेंशिएट और वी कैन डिफरेंशिएट w पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू r n theta. So, यही प्रॉपर्टी है हमारे पास. तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहला डेल w ओवर डेल r, और जिसकी वैल्यू कितनी हुई है हमारे पास, डेल f ओवर डेल x ओवर डेल r प्लस डेल f ओवर डेल y, देन डेल y ओवर डेल r. r इज देयर कंपोजिट वेरिएबल. ओके, अब सेम थिंग देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इज गिवन r sin theta एंड y इज गिवन r x इज गिवन r cos theta. ओके, सो दिस इज द वैल्यू फॉर y, y इज गिवन r sin theta एंड x इज गिवन r cos theta. अब इस रिलेशन के लिए देखिए, डेल f ओवर डेल x, फंक्शन f, f मीन्स w, w का x और y के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन गिवन नहीं है, तो हम डेल f ओवर डेल x कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेल x ओवर डेल r हम निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन. x इज गिवन r cos theta, तो डेल x ओवर डेल r हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डेट इज cos theta. इसी तरीके से हम डेल y ओवर डेल r निकाल सकते हैं, डेट इज sin theta. तो डेल x ओवर डेल r की वैल्यू हम रखें तो कितना मिला, cos theta. देन डेल f ओवर डेल y, y by r हमें क्या मिला, डेट इज sin theta. तो ये रिलेशन आया हमारे पास, किसकी वैल्यू आई, डेल w ओवर डेल r. अब इस क्वेश्चन पे देखिए, हम किस साइड को लेके चल रहे हैं अपने आप बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन वेरिएबल्स. देखिए डेल w और डेल r किस तरफ है हमारे पास, रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं और राइट हैंड साइड हमें अपने आप मिलेगी. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए रिलेशन में दूसरा पार्ट क्या है, डेल w ओवर डेल थीटा. ओके, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, डेल w कंपोजिट फंक्शन है और थीटा हमारे पास क्या है, w इज अ कंपोजिट फंक्शन एंड थीटा इज अ कंपोजिट वेरिएबल. तो हम इसको निकाल सकते हैं, डेल f ओवर डेल x इंटू, अब देखिए हम क्या लिखेंगे, डेल x ओवर डेल थीटा प्लस डेल f ओवर डेल y इंटू डेल y ओवर डेल थीटा. तो इस तरीके से, इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल w ओवर डेल थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमारे पास रिलेशन है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा. अगर हम इससे वैल्यू को कैलकुलेट करें, मींस डेल x ओवर डेल थीटा निकालें, तो थीटा वेरिएबल r कांस्टेंट, तो cos थीटा का माइनस sin थीटा डिफरेंशिएशन हो गया. इसी तरीके से हम अगर डेल y ओवर डेल थीटा निकालें तो क्या होगा, r इज कांस्टेंट और sin थीटा का cos थीटा डिफरेंशिएशन. तो यहां पर हम रख दें, पहला रिलेशन मान लिया, दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड हियर डेल f ओवर डेल x एज इट इज. तो डेल x ओवर डेल थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस r sin थीटा प्लस डेल f ओवर डेल y एज इट इज, क्योंकि f का y के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रिमेन्स एज इट इज. और डेल y ओवर डेल थीटा कितना है हमारे पास, डेल y ओवर थीटा इज r cos थीटा. ओके, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम रिलेशन में देखें तो इसका मल्टीपल क्या है, डेल w ओवर डेल थीटा का 1 बाई r. तो इसमें अगर हम 1 बाई r डेल w ओवर डेल थीटा निकालें तो रिलेशन हमारे पास क्या मिलता है, माइनस डेल f ओवर डेल x ओके इनटू साइन थीटा प्लस डेल f ओवर डेल y इनटू कॉस थीटा. से दिस इज योर अवर इक्वेशन नंबर 2.
Now, squaring and adding the equation number 1 and 2. तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, डेल डब्ल्यू ओवर डेल आर होल टू दी स्क्वायर, और इक्वेशन सेकंड से 1 बाई आर स्क्वायर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा होल टू दी स्क्वायर। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होगा, डेट इज डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू साइन थीटा होल टू दी स्क्वायर, प्लस इसका हमारे पास सेकंड रिलेशन क्या होगा, मींस द वैल्यू ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा होल टू दी स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू साइन थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू कॉस थीटा होल टू दी स्क्वायर। ओके, अब देखिए राइट हैंड साइड को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से खोल सकते हैं, मीन्स हमें क्या मिलेगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स होल टू दी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई होल टू दी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई, प्लस अगर दूसरे को हम इसमें करें तो डेल एफ ओवर डेल एक्स होल टू दी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई होल टू दी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि यहां पर अभी ये मल्टीपल में आएगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये रिलेशन हमें मिला, देखिए दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव कैंसिल, और अगर हम पेयरिंग करके इन दो टर्म्स को लें और इन दो टर्म्स को लें तो हमें क्या मिलता है, देखिए डेल एफ ओवर डेल एफ ओवर डेल एक्स पेयरिंग की है मैंने का होल स्क्वायर, और इसके साथ लिए इस रिलेशन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल एक्स होल टू दी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई होल टू दी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई होल टू दी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहले पार्ट में से मैंने कॉमन लिया, क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स होल टू दी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में से अगर हम डेल एफ ओवर डेल एक्स का होल डेल वाई का होल स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या मिलेगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स होल टू द स्क्वायर प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई होल टू द स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो हम देखें कंपोजिट वेरिएबल कंपोजिट फंक्शंस को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।